क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? बड़े सूरजो तारो मारो बने अपनो सूर निराळो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। श्रीकांता मानसोल्लासा भूदेवी शोभिताङ्घ्रिणे उत्तिष्ठ करुणाकारा श्री चेलुवनारायण। श्रीकांता मानसोल्लासा भूदेवी शोभिताङ्घ्रिणे उत्तिष्ठ करुणाकारा श्री चेलुवनारायण। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पद्माक्षा उत्तिष्ठ सुजनावना उत्तिष्ठ निगमोद्धारा श्री चेलुवनारायण। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पद्माक्षा उत्तिष्ठ सुजनावना उत्तिष्ठ निगमोद्धारा श्री चेलुवनारायण। श्रीरामप्रियनेय दुशैल निवास शौर्ये रामानुजार्चित पदाशुभदामुरारे सौन्दर्य शोभित तनो महिमावतारे श्रीचेलुवराय वरदा बेळगायितेळु। श्रीरामप्रियनेय दुशैल निवास शौर्ये रामानुजार्चित पदाशुभदामुरारे सौन्दर्य शोभित तनो महिमावतारे श्रीचेलुवराय वरदा बेळगायितेळु। यदुशैल दीपशुभरूप रमा विनोद ब्रह्मेन्द्र मुख्य सुर पूजित दिव्यपाद श्रीमेलुकोटे पुरवास धरा विलास श्रीचेलुवराय वरदा बेळगायितेळु। सद्भक्त संघवनु रक्षणे माडलेंदु ई क्षेत्रदल्लि निनगागिये बंदु नेलेसि सौंदर्य रूपवनु तोरिदेयंते स्वामी श्रीचेलुवराय वरदा बेळगायितेळु। निन्नन्नु होत्तु जगवेल्ल वसुत्ति बरलु श्रीपक्षिराज गजराज हयादिराज रोंदागि बंदु गुडिया बळि निंतिरुवरु श्रीचेलुवराय वरदा बेळगायितेळु। ई क्षेत्र रूपवनु वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में और मैं हूँ ज्योति मलिक। प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में आप सबके साथ एक नई स्टेट के साथ। तो आज हम जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टेट का एक श्लोक और एक ऐसा गीत है कह लें आप चाहे श्लोक कह लें जिसे सुप्रभाता कहा जाता है और उसे सुबह दिन शुरू होने से पहले सब लोग मीन्स इसी श्लोक के साथ अपना दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है मैं आपके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आज हम बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। तो आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप इस प्रोग्राम में आइए और कर्नाटका के बारे में जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं इस छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ। सुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् देव
ಭೂತಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಂ ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ ಸರ್ವ ಸುಗಂಧ ಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ ಬುದ್ಧಿ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಂ ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ ಕನಕ ಮಹಾಮಣಿ ಭೂಷಿತ ಲಿಂಗಂ ಮಣಿಪತಿ ವೇಷ್ಟಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಂ ದಕ್ಷ ಸುಯಜ್ಞ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ जी हाँ लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। तो छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मैं वापस आई हूँ आप सबके साथ। तो अब शुरू होते हैं कर्नाटका के बारे में बातचीत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी स्काइप आईडी जो कि है रेडियो उड़ान RADIO UDAAN पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जो कि 1 नवंबर 1956 में बनी थी और उस वक्त उसे स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था, पर 1973 में इसे रीनेम कर दिया गया और इसे कर्नाटका का नाम दे दिया गया। इस स्टेट में कुल 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसका एरिया जो है लगभग 191,791 स्क्वायर किलोमीटर का है। और एरिया के हिसाब से जो कर्नाटका का रैंक है, 7वां रैंक है। अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। कर्नाटका की पॉपुलेशन जो है लगभग 6.11 करोड़ की है। अब पॉपुलेशन के हिसाब से जो इसका रैंक है वो है 8वां। तो कर्नाटका पॉपुलेशन के हिसाब से 8वें नंबर पर आता है भारत में। अब डेंसिटी की बात करें तो 320 लोग हैं जो लगभग 1 किलोमीटर में कर्नाटका में रहते हैं, यानी कि कर्नाटका की डेंसिटी है 320। और सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी हमें मिलती है बेंगलोर में। ओ, बेंगलोर में जो डेंसिटी है 4341 लोग लगभग 4381 लोग जो हैं वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं बेंगलोर में। और दूसरे नंबर पर जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा कर्नाटका में वो है मैसूर में। यहां पर लगभग 476 लोग, यानी 4676 की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 किलोमीटर में रहती है। अब बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट की। कर्नाटका का लिटरेसी रेट जो है वो है लगभग 76%। 76% जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है यहाँ पर, और इनमें से 82% मेल्स पढ़े लिखे हैं और फीमेल्स का लिटरेसी रेट है लगभग 66%। अगर हम बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो इनमें दक्षिण कन्नड़ा का नाम और उसके बाद बेंगलोर, फिर उडुपी का नाम आता है। तो अब बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो की, जो कि है 973, यानी 973 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज। पर अगर हम बात करें हाई सेक्स रेशियो की, वो है उडुपी में, जो कि है 1094। दक्षिण कन्नड़ा का नाम उसके बाद आता है और इसमें सेक्स रेशियो जो है
वो है 1020 1020 लड़कियां रहती हैं 1000 लड़कों पर. तो इन दो स्टेट्स में और इसी तरह से और भी स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा है. तो ये दो स्टेट्स हैं जिनका नाम सबसे ऊपर है. सॉरी स्टेट्स बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट्स माफ कीजिएगा. अब बात कर लेते हैं अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की. तो जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि रूरल पॉपुलेशन तो हमारे भारत में लगभग 75% की मानी जाती है. तो कर्नाटका में भी रूरल पॉपुलेशन ज्यादा ही देखने को मिलेगी. लगभग 39% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं और बाकी के बचे 61% जो लोग हैं वो रूरल यानी गांव के विलेजेस में रहते हैं. और अब बात कर लेते हैं कैपिटल की. कैपिटल जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी आप सभी जानते ही होंगे, बेंगलोर जो कि कर्नाटका की कैपिटल है. और बेंगलोर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट भी है, सिटी भी है, जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के बेस पर यानी जनसंख्या के आधार पर. बेंगलोर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है. और अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है कर्नाटका में, वो है बेलगाम. बेलगाम जो है वो कर्नाटका में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है. उसके बाद नाम आता है गुलबर्ग का, फिर आता है तुमकुर. हो सकता है मैं नाम गलत ले रही हूँ, प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है. तो मैं लिसनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब आए तो मुझे जरूर करेक्ट करें. अब एक लास्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी. एक आईएसओ कोड होता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा अलॉट किया जाता है हर स्टेट को. कर्नाटका के लिए जो आईएसओ कोड है वो है KA. जी हाँ लिसनर्स, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कर्नाटका के बारे में. तो अब मैं चाहूंगी कि जल्दी से आपको एक कर्नाटका का फोक सॉन्ग सुना दिया जाए. तो फ्रेंड्स एक फोक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगी कर्नाटका का. उसके बाद मैं चाहूंगी कि मैं लिसनर्स को लूं और आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं. तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कर्नाटका के बारे में तो आप जरूर आइएगा. कर्नाटका की लैंग्वेज, कर्नाटका की ड्रेसिंग स्टाइल, खाने पीने का खान पान और इसके अलावा वहां का कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप रखते हो. और टूरिज्म स्पेशली, क्योंकि हर किसी को घूमने का शौक होता है. तो जी हाँ फ्रेंड्स, एक फोक सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगी और आप सबसे बात करूंगी कर्नाटका के बारे में. निंबिया बनाद म्याल चंद्रमा चंदाडिद ಚಂದ್ರ ಮಾ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಬನದ ಮ್ಯಾಗ ಚಂದ್ರ ಮಾ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ 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 ಬನದ ಮ್ಯಾಗ ಚಂದ್ರ ಮಾ ಚೆಂಡಾಡಿದ
ತೊಡರ ನೀಗಪ್ಪ ನಿಂಬಿಯ ನಿಂಬಿಯ ಬನಾದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರ ಮಾ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ಬನಾದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರ ಮಾ ಚೆಂಡಾಡಿದ क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति पहनावे और खान पान के विषय में बड़े सूर जो तारो मारो बने अपनो सूर निराळो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudaan.com। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि आज हम लिसनर्स को भी लेंगे और जैसे कि हम हर बार लेते भी हैं, तो मेरे साथ लिसनर्स जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगी उनसे बात करना। हेलो, नमस्कार ज्योति, नमस्कार ज्योति, अरे हेगी दिना नीवु। हेलो पिंकी, नमस्कार, नीव हेंग बंदबिट्री? नमस्कार मारिया, ननगू गोत्तिरलिल्ल नीव बर्तीरा अंत, इवर नीवु करदिद्रा? हौदु, प्लेजेंट सरप्राइज अल्वा? हौदु, नम्मिब्बरन्नू करेदुबिट्टु नमगे गोत्तिल्ल। रुकिए, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, जरा हिंदी में बताइए। सॉरी, हमको कन्नड़ा में नहीं बोलना है? हमको लगा था ये कर्नाटक का शो है तो कन्नड़ा में भी बोलेंगे। अरे नहीं नहीं, कन्नड़ा में भी आप बोलेंगे बट सिखाएंगे, बोलेंगे नहीं। अच्छा, तो आप बोलो ऊटा आयता। दोबारा से? ऊटा आयता। ऊटा आयता, हाँ, इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? खाना खाया? ओ बिल्कुल खाया। हाँ, कार्यक्रम तुम्बा चेन्नागिदे। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है ये बोल रही है। ओके, तो थैंक यू को कैसे बोलते हैं? धन्यवाद गड़ू। धन्यवाद गड़ू। हाँ, गड़ू 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 गड़ू। ओके गड़ू, यस। तो सबसे पहले तो आप दोनों का, यानी कि पिंकी गुप्ता और मारिया दुरानी, आप दोनों का डेट विद द स्टेट में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गड़ू। धन्यवाद। तो आप बताइए आप कहाँ से हैं जरा लिसनर्स को, और उसके बाद हम कर्नाटका के बारे में आपसे जानकारी लेंगे ढेर सारी। जी। नम्बूरु, मैसूरु, निमूरु, मैसूरु। तो हम दोनों मैसूर से हैं। अब मुझे समझ आ गया कि आप दोनों मैसूर से हैं। जी बिल्कुल। हाँ, एक गाना होता है नम्मूरु मैसूरु निम्मूरु यावरु, मतलब एक गाने में पूछा जाता है कि मेरा तो शहर मैसूर है, आप कहाँ से हो? आप तो शहर कौन सा है? तो हाँ, उसने पूछा, मैंने पूछा नम्मूरु, तो उसने कहा मैसूरु निम्मूरु, मैंने कहा मैसूरु, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती ना यावरु कौन सा है। बिल्कुल, तो दोनों मैसूरु से है ना इसलिए। बिल्कुल 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 जी। जैसे आपने, और एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में कर्नाटक को मैसूरु कहा गया था, तो वी फील प्राउड, जैसे हम अपने ही शहर का नाम हमारे कर्नाटक पे था। जी बिल्कुल। बिफोर कर्नाटका इसको मैसूर राज्य कहा जाता था, और मैसूर के तो काफी हिस्टोरिकली मैसूर बहुत फेमस है। किसी भी कंट्री में आप, मतलब जैसे कि हम बाहर वालों से किसी से भी बात करते हैं, मैं बताती हूँ मैं कहाँ से हूँ, मैसूर से हूँ, तो बोलते हैं टीपू सुल्तान का शहर है। हाँ, चलो यही कहता है। बिल्कुल, टीपू सुल्तान के बारे में तो सभी पढ़े होते हैं ना। बिल्कुल, तो
उनके बारे में सभी जान रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है मैसूर, बहुत ही क्लाइमेट इसका हमेशा एकदम कूल रहता है। कूल इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमेशा कूल, मतलब हम ये फील करते हैं कंपैरेटिवली बैंगलोर जाओ या किसी और शहर में जाओ, कर्नाटक के ही किसी भी और शहर में आप जाओ, तो हम कंपैरेटिवली ये देखते हैं कि मैसूर में बहुत ज्यादा दिनों तक कोई भी मौसम नहीं होता। जैसे गर्मी है तो मैनेजेबल गर्मी होगी, ठंड है तो मैनेजेबल ठंड। बिल्कुल, पता है बैंगलोर और मैसूर की प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम नहीं कैसे हम, मैं ये बताना चाहूंगी बैंगलोर भी बहुत अच्छा है मौसम के लिहाज से, बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट कभी कभी मैसूर भी, मैसूर से ज्यादा भी कभी कभी ठंडा हो जाता है। पर क्या है ना कि वहां की पोल्यूशन की वजह से, वहां की ट्रैफिक पोल्यूशन की वजह से सुकून नहीं होता। पर आप मैसूर में आ जाओगे ना तब तो बात ही कुछ और होती है, बहुत मजा आता है यहाँ पे। हर मौसम को हम अलग अलग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपसे मैं सबसे पहले तो कर्नाटका के कल्चर के बारे में ही पता करना चाहूंगी कि पहले तो ये बताइए वहां पर जिस तरह से मैरिजेज होती हैं, तो वहां पर किस तरह के रीति रिवाज होते हैं, किस तरह से कौन से ऐसे कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं मैरिज के समय? मारे आप बताना चाहोगे? आप बताइए, मैं सुन रही हूँ क्योंकि मैं शादियां अटेंड नहीं करती, आप ही ज्यादा शादियां अटेंड करते हो। ओहो वो तो हम जानते हैं कि शादियों में कौन ज्यादा जा रहा होता है। जी जैसे ज्योति, शादियों में देखिए हमारा एक, हमारे भारत की एक स्पेशलिटी है कि हर शहर का, हर स्टेट का लगभग शादी एक जैसा ही होता है, बट नाम अलग हो या आपके करने के तरीके में चेंजेस होते हैं, बट सारे वही उसी तरह के होते हैं। यहाँ पे जैसे आप शहनाई बजाते हो नॉर्थ में या शादियों में, उसी तरह से यहाँ पे शहनाई की तरह यहाँ पे एक अलग टाइप का म्यूजिक बजता है जब आप मंगलसूत्र पहना रहे हो। इस तरह का नादस्वरा कहते हैं उसको, तो वो भी बहुत अलग एक पहचान है शादी की। ये इंस्ट्रूमेंट होता है एक? नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट मिलके ही बजते हैं, जैसे हमारी शहनाई बजती है तो सारे इंस्ट्रूमेंट मिलके बजती है ना शादियों में। जी, तो उसी तरह से कर्नाटक में भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही बजाया जाता है, ये धुन अलग होता है, हमारी हिंदुस्तानी धुन से यही धुन अलग होता है बस। और यहाँ पे तो जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया, तो क्लासिकल म्यूजिक की बात भी हम बाद में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे शादियों में आपको मैं बता दूँ, एज यूजुअल होता है शादी करेंगे सारे ब्रह्म मुहूर्त में, या जिस भी लड़के और लड़की के कुंडली के हिसाब से या ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से जो टाइम निकलता है, वो कोई भी टाइम हो सकता है, दिन रात कोई भी टाइम, तो 4 बजे 3 बजे मिडनाइट कभी भी, तो शादी उस वक्त करते हैं एज यूजुअल। वहाँ नॉर्थ में भी यही होता है और उसके बाद मुहूर्त के हिसाब से होता है, तो यहाँ भी सेम वही होता है, सिर्फ नाम अलग कर दिया जाता है। और उसके बाद एज यूजुअल आप करते हो यहाँ 7 फेरे जो लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इसको सप्तपदी कहते हैं कर्नाटक में। सप्तपदी? यस, सप्तपदी। तो 7 फेरे यहाँ भी लिए जाते हैं। ओके, तो सेम है, ऑलमोस्ट सभी सेम है। और एक चीज स्पेशलिटी यहाँ की बताऊँ, पता नहीं नॉर्थ में किस तरह से होता है, यहाँ पे केले के पत्ते में खाना दिया जाता है, सर्व किया जाता है। ये बहुत यूनिक है। पार्टी इस तरह की, मतलब वेडिंग पार्टीज हो या किसी भी तरह की कोई, मतलब कोई पूजा हो या कुछ भी हो, खाना केलों के पत्ते में ही सर्व किया जाता है। बहुत ही शुद्ध माना जाता है और इतना अच्छा लगता है जब केले के पत्ते में सर्व करते हो तो लगता है, और नीचे जमीन पे बैठ के जो खाते हैं, आजकल डाइनिंग टेबल और क्या कहते हैं उसको, बफे सिस्टम हो गया है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, उस तरह का यहाँ भी चल रहा है आजकल, बट आज भी ट्रेडिशन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे नीचे जमीन पे अपने आपने बिछौना बिछा दिया, उस पे बैठे हो, आसन पे बैठे हो, उसके बाद आपके सामने केले के पत्ते सर्व कर रहे हैं, उसके बाद खाने में यहाँ पे सबसे पहले नमक डाला जाता है पत्ते पे। ओके, सबसे पहले थोड़ा नमक डालेंगे हर शादी में, हर पूजा में, आप जहाँ भी जाओगे, ट्रेडिशन है। उसके बाद से आप जो भी मीठा डालेंगे, उसके बाद मीठा डालने के बाद आपको कोई भी सब्जियां जो है, जो भी उनकी चीजें बनी है, वो सर्व किया जाता है। तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल लगता है, डिफरेंट लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज को देख के खाने में, और अच्छा भी लग रहा है। हाँ, और इसके बाद एक और चीज है, शादियों में यूजुअली क्या होता है, शादी के बाद जैसे आप शायद नॉर्थ में ऐसा हो, शादी के बाद आप मिठाई देके भेजते हो गेस्ट को। जी जी बिल्कुल, कुछ भी। हाँ, तो यहाँ पे ट्रेडिशन ये है कि आप नारियल गोला देते हो, जैसे नारियल क्या कहेंगे उसको, नारियल ही कहते हैं, नारियल ही कहते हैं। हाँ जी, तो नारियल नारियल के साथ पान होता है ना, पान, बिल्कुल,
और उसमें उसके साथ आप देते हो क्या सुपारी, सुपारी, पान के पत्ते और एक नारियल। ये ट्रेडिशन है यहाँ की शादियों का। ओके, सभी गेस्ट जो आए होते हैं उन्हें ये देकर भेजा जाता है। खाना खाने के साथ, खाने के टेबल पे आप जब बैठते हो तो खाना सर्व करने के बाद सभी को साथ में पैक्ड होता है, वो एक पॉलिथीन कवर में पैक करके रखते हैं। नारियल, केला, केला भी डालते हैं यूजुअली, एक केला, नारियल, केला, पान के पत्ते और सुपारी। ये एक ट्रेडिशन है, ये हर एक खाने वाले लंच या डिनर के टाइम पे, उस मील्स के टाइम पे उनको दिया जाता है उन्हीं के खाने के साथ। ओके, ले जाते, तो ये बहुत खास है। और यहाँ पर मैरिज के टाइम पे लेडी संगीत भी होता है क्या? हाँ, ऐसा संगीत ऐसा तो नहीं, देखिए ऐसा स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, बट आप चाहो तो आप जैसे हम क्या कहते हैं उसको, मेहंदी हुआ या हल्दी हुआ, जैसे आप करते हो वैसे अपने अपने घरों में सारे संगीत वंगीत चलते होते हैं। और शादी के मंडप में जो है वो एज यूजुअल पंडित जी जो करवाते हैं वही सब, वही कस्टम्स चलते हैं। तो एक और इन्फॉर्मेशन भी बता दीजिए कि यहाँ पर फेस्टिवल्स कौन से खास मनाए जाते हैं? जी मारिया जी, ये यहाँ पे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, दिवाली तो मनाई जाती ही है, उसके अलावा युगादी जिसको बोलते हैं, कुछ लोग युगादी बोलते हैं, कुछ लोग उगादी बोलते हैं जिनको बोलना नहीं आता, एक्चुअली युगादी है। युगादी वो होती है कि मार्च के टाइम में जो नवरात्रि होती है ना, तो फर्स्ट जो पहल चैत्र का फर्स्ट डे पहला दिन, ठीक है, उस दिन पे युगादी मनाई जाती है। तो नया साल जो शुरू होता है ना, उसके अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे साउथ इंडिया में यही माना जाता है, और कुछ कुछ लोगों में दिवाली को नया साल माना जाता है, तो यहाँ पे युगादी को ही माना जाता है। तो इस चीज को मनाया जाता है बड़े जोर शोर से। हाँ, मैं यहाँ पे एक डिफरेंस बताना चाहूंगी, हिंदू धर्म में दो तरह के ना, जैसे दो नहीं, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग है। जैसे नॉर्थ में हिंदू जो हिंदी स्पीकिंग लोग है, वो लोग पूर्णिम के बाद जो डे शुरू होता है उसको हम लोग फर्स्ट डे हिसाब, मतलब महीने की शुरुआत शुरू करते हैं वहां से। और कर्नाटक में क्या होता है, अमावस के नेक्स्ट डे से वो लोग इसको ये लेते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, पहली लाइक पहला दिन हिसाब, दैट मंथ, जैसे कि चैत्र का पहला। हाँ, साल उनका उस दिन से शुरू होता है, महीना महीना, जैसे महीना चैत्र, वैसाख। ओके ओके, ठीक है, समझ गई, समझ अमावस्या के अगले दिन, बिल्कुल हम अमावस्या के अगले दिन से, बिल्कुल ऐसे ऐसे यहाँ से शुरुआत होती है। तो हमारे हिंदू में जैसे हम लोग जैसे बिहार में या किसी नॉर्थ में होली को हम लोग चैत्र का पहला दिन मानते हैं, होली हम लोग मनाते हैं न्यू ईयर के तौर पे। तो यहाँ पे युगादी का 15 डेज के बाद आएगा आपके अमावस्या के बाद, तो युगादी आएगा हमारी होली के 15 दिन बाद, तो आफ्टर अमावस्या इनका युगादी, फर्स्ट डे ऑफ देयर चैत्र। ओके, तो अब थोड़ा सा भरतनाट्यम के बारे में मैं पूछना चाहूंगी आपसे। उससे पहले मैं लिसनर्स को एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहूंगी, और उसके बाद मैं आपसे भरतनाट्यम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। जी, वेलकम बैक। जो आपने छोटी सी क्लिप सुनी, ये मेरे पास एक मारिया दुरानी जी का ही एक गीत पड़ा था, मैंने उसे कट की और मैंने चाहा कि मैं लिसनर्स को सुनाती हूँ। ये थोड़ा सा टच था भरतनाट्यम का, तो अब बताइए कि भरतनाट्यम किस तरह का डांस होता है? मारिया यार, डांस के बारे में ना तुम मुझसे ना पूछो तो ही बेहतर है। नहीं, नहीं, वैसे वैसे भरतनाट्यम यहाँ का बड़ा प्रचलित नृत्य कहलाया जाता है। भरतनाट्यम साउथ इंडिया में तीन होते हैं जितना मैं जानती हूँ, एक कुचिपुड़ी है ना जी, हाँ, एक होता है कथकली, बिल्कुल, एक भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम काफी फेमस है और यहाँ पे काफी सारे फिल्म्स में भरतनाट्यम डांस को भी शायद हमने देखा होगा कन्नड़ा फिल्म मूवीज में। तो इसके डांसर्स के कोई अगर नाम याद है तो पिंकी आप बताएं। नहीं, डांसर्स
जी नहीं, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैं वोकल म्यूजिक से जुड़ी हूँ, डांस मेरा भी यही है। तो ऐसा मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ये दे सकती हूँ कि एकदम आप मानो क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस है। इसमें आप क्या करते हो, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इनका कनेक्शन शायद टूट गया है। जी जी जी, हाँ जी। तो वही, इसको क्लासिकल मतलब पूरी तरह से क्लासिकल डांस है ये भरतनाट्यम, इतना तो हम कह ही सकते हैं। बिल्कुल। और आगे अब, हाँ बिल्कुल आगे पिंकी, थैंक गॉड। बिल्कुल। तो यहाँ की, जैसे हमारे सभी लिसनर्स जानते ही हैं कि कन्नड़ा जो है, जैसे कि पहले आपने थोड़ा सा कन्नड़ा की भाषा को लाइव सुन भी लिया यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है कर्नाटका में, और बहुत से लोग यहाँ पर कन्नड़ा ही बोलते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहा था बट मैं भूल गई। बहुत से लोग नहीं, ऑलमोस्ट पता है क्या है, अगर कोई किसी की मदर टंग ना भी हो ना, कर्नाटका की जितना मैंने देखा है, खासियत ये है कि हर एक बोल भी लेता है, समझ भी लेता है। वही मैं कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स में गई हूँ जिन्हें इंग्लिश और हिंदी के अलावा मतलब कहीं कहीं जगहों पर लोगों को बोलना ही नहीं आता, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल नहीं पाते हैं। पर यहाँ पे ये देखा है कि किसी से भी बात करवा लो, वो ऑटो ड्राइवर से कन्नड़ा में बोल लेगा या किसी से भी कन्नड़ा में बोल लेगा, मतलब बहुत इजीली मैनेज कर पाएगा। अगर उसको ना भी आती हो तो कुछ ना कुछ तो बोल ही लेगा, वो बोल ही लेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से मुझे याद आ रहा है कि कन्नड़ा एक जो भारत की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनमें से एक है। जी जी, तो आपने बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई और इस प्रोग्राम को आपने मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। हाँ जी, मैं इसके अलावा और कुछ कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगी। जरूर, जरूर। हमारे कर्नाटका की आपने खाने पीने की बात पूछी थी, तो हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ का फेमस इडली डोसा ये सब कुछ, और वड़ा, उपमा उपमा उपमा, हाँ वड़ा भी है, वड़ा और उपमा जो है ना, उपमा तमिलनाडु में उपमा कहा जाता है और कर्नाटक में इसको उपिट कहा जाता है। हाँ, ये भी बता दूं। ओके, जो रवा से बनता है। और एक और बात मैं आज कहना चाहती थी कि आज जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, श्रेया घोषाल डे मनाया जा रहा है, जो कि हिंदी की बहुत ही पॉपुलर सिंगर है और हमेशा रहेंगी भी आगे, पर कर्नाटका की भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर है और आज भी उन्हीं के गाने यहाँ पे चलते हैं। अब हिंदी में इतने नहीं सुनाई देते जितने कन्नड़ा में उनके आजकल गाने सुनाई देते हैं। मैं तो खुद सुनना चाहूंगी उनका एक कन्नड़ा भाषा में गीत, मेरे पास है स्टूडियो में, बिल्कुल अवेलेबल है, तो मैं आपको भी सुनाना चाहूंगी और लिसनर्स को भी सुनाना चाहूंगी श्रेया घोषाल की आवाज में एक कन्नड़ा गीत। और आप दोनों का इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए, इसी तरह से आते रहिएगा। धन्यवाद ज्योति, नमस्कार, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾ ಜರೂರ್ ಜರೂರ್, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಲೆಂತೋ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಲೆಂತೋ, ಆಹಾ ಒಂಥರ ತರ ಹೇಳಲೊಂಥರ ತರ, ಕೇಳಲೊಂಥರ ತರ ಹೇಳಲೊಂಥರ ತರ, ಕೇಳಲೊಂಥರ ತರ.
वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट और आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटका के बारे में। तो अभी हमने हमारे दो लिसनर्स के साथ काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जो कि मैसूर से थी। अब मेरे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं जो कि कर्नाटका से ही है, तो मैं चाहूंगी उनसे कनेक्ट करती हूँ। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कारा फ्रॉम कर्नाटका, नमस्कारा फ्रॉम बेंगलुरु। नमस्कारा जी, अपना नाम बताइए। आई एम श्रीधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम डेट विद द स्टेट में। थैंक यू जी। तो आज आप कर्नाटका के बारे में हमारे साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? मेनी थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट कर्नाटका एंड टू गर्ल्स फ्रॉम मैसूर ऑल्सो shared many things, but I would like to tell about Kannada language. It's one of the oldest language, having 2500 years of history almost, and it's one of the classical languages. Exactly. I think which has got 7 Jnanapeetha awards so far. Okay. And this Karnataka is a diverse state. The primary food is rice. Along with rice, South Karnataka people consume ragi, and North Karnataka people use corn flour for making rotis, and they prefer chapatis. Broadly, two diverse classification we can make in Karnataka, stating North Karnataka and South Karnataka. Both parts of Karnataka have different dialects and different types of cultural heritages. They have their own culture, diverse culture. And even in South Karnataka and North Karnataka also, we can categorize between various cultures. Like in South Karnataka, we have different and unique culture of people in Coorg. That's a good tourist spot also. The climate is very cool there, and many coffee and tea estates, and many various homestays also available for the people who want to enjoy the vacation or holidays. Okay. And they have their own unique language, slightly different from Kannada. And that is the apart from that, the Western Ghats, all the two or three districts like Chikmagalur, Shivamogga, and North Kannada, part of North Kannada which falls in the Western Ghat. We have a good one of the best falls, that is Jog Falls. Almost 30% of Karnataka's power requirements is met from that falls. And that's also a good tourist spot. Many I was yet to talk about tourism. So tell us in detail about tourism in Karnataka. Yeah, tourism, that's what basically here we have a mixture of tourism, like basically in Western Ghat belt we have a good climate and many falls and rivers. Inside the coffee estate and tea estates and some villages adjacent to the forest area are making good tourist spots here, and some hills and small hilly regions and forests are good for trekking also. Here many areas in Hassan district, especially one area is Sakleshpur. There near that place we have a couple of trekking spots. Okay. And apart from that, tourism
is mainly comprised of temples and this one good climate. Okay. Climate driven, and many temples are also there. Many temples with sculpted arts, like stone figures. Like you can say in North Karnataka, Badami, Pattadakallu, Aihole, and in South Karnataka, Belur, Halebidu. Lots of tourist places are there. Few of them are few of them are having historical importance. Okay. And Karnataka was also nowadays Karnataka is also becoming more and more famous because of its vast avenue in IT sectors. Yeah. Bangalore is considered as Silicon City of India. It is also called a hub of major companies. Yeah. Major companies, and yeah, it's an IT hub. And some people say Silicon Valley of India. They compare, they try to compare it to Silicon Valley in USA. All these things are there. And okay, do you know in and around Bangalore also? In and around Bangalore also, we have many tourist spots like Nandi Hills. And if you go to Mysore again, I need not to talk anything because they have already spoken. Ample. Yeah. Yeah, correct. You are asking something. Yeah, I was asking, like, there is a gold gumbas in Bijapur. Yeah, this that's what I was about to tell you about the historical tourism spots. Yeah. This was built by the Bahmani Sultanates, and this has very, I mean, unique type of sculpting art, and the most famous thing is it has the ability of you can hear the echo there. If you shout in the hall, you will hear the echo 7 times. Oh, very nice. Yeah, and there are many national parks also. National parks, yeah, that's what I wanted to talk about Bangalore regarding this. Yeah. Bangalore had a tag of Garden City. Even, of course, now also it has this Bannerghatta National Park. That is a good tourist spot, and you can have a good look at the animals, and this you can have a good safari there, and you can spend the time in a wonderful manner within the nature. Actually, here the most important thing is, even anywhere in the Western Ghat also, you have or in the Coorg also, you can spend your time inside the nature. There will not be much artificial interference. There are some tourist spots where you will not be having mobile network, and so that your privacy will be with you, and your face is turned only towards the nature. You can, in that sense, here in the tourist places, you can become true human of the nature. Yeah. And beach, what about beach in Karnataka? Beaches, that is the important thing. See, the South Kendra and North Kendra, both the districts lie in the beaches, in the coastal belt. So there are many beaches. If you come to South Kendra, that is headquarter is Mangalore district headquarters. There you have good beaches like Ullala Beach, and if you come little towards north in Udupi, Malpe Beach, and couple of this one harbors are also there in and around the Mangalore. And straight come little come north, if you come little towards north, you will have Gokarna. This is one of the significant tourist places, comprising Gokarna, and near to that Murdeshwara. Next, there are many temples dedicated to Lord Shiva, and famous being the Lord Mahabaleshwara temple, which has a legendary story associated with it regarding the demon Ravana, who took the Atmalinga of Lord Shiva and
kept it here. That is a different story. I mean, that's a different story. Yeah. Many people may be aware of that. Here is a important center of Jain pilgrimage. I think it is Jain, there, Jain pilgrimage is in South Kendra. I will come to that. Yeah. I will finish off this beach first. Yeah, and sure. Near Gokarna also we have a couple of beaches, very famous being the Om Beach, in which many foreign it attracts many foreign tourists. And even many localites also, where you can, if you are interested in taking sunbath, and if you want to enjoy the beaches, you can visit those places. And it's very near to Goa also. That's a different issue actually. Okay. It's only hardly 40 kilometers away from Goa. That Gokarna. And apart from that, Jain pilgrimage. Yeah, in Hasan district of Karnataka. One famous Jain pilgrimage is there called Shravana Belagula, where you can see the statue of Lord Gomateshwara, which has been carved out of only single stone, which is of 57 feet height. It's carved out of only single stone, okay. I think, period of Hoysalas. This also attracts many 55 feet? 57. Okay. This actually this attracts people, those who are awestruck of the beauty and beauty of the sculpture and sculptor, and those who are the dedicated devotee of Jain religion. Okay. So it's also a great tourist spot. It has a history of it was. It was constructed during the reign of Hoysalas. And apart from that, one more famous pilgrimage, you can say, tourist place as well as Dharmasthala, which okay. is a holy place both for Hindus and Jains also. Lord Manjunatheshwar temple is there, and which is as per my knowledge, which is the only temple, as far as my knowledge is concerned, in Karnataka, which is the only temple which is which belongs to Jain community and worshipped by Vaishnavas, the Lord is Lord Shiva. So okay. this has a very significant, because the combination of three, Shaivism, Vaishnavism and Jainism. Apart from that, there is a statue of Lord Bahubali also present in Dharmasthala. So both Jain people and Hindu people go in large number for pilgrimage. Okay. And during the time of Shivaratri, a festival is organized, a festivity-like environment and a fair, we can call it as here in this term. During that time, there will be an event called Lakshadweep Deepotsava, which means lakhs of torches are burned, lights are burned, made up of cotton, this one, and oil. So this very significant pilgrimage, and many people believe there, if they ask Lord and Lord for any particular favor, and later on. They have the habit of giving their hair, head shave, their head shave, and large number, sum of money also pour in because of people's extraordinary belief in God. Okay. People say that is the one of the true God. Apart from that, many temples are there. If you go to South Kendra, you'll not be having. You will not be missing anything. Like many temples are there belonging to many devotees of both local and universal deities of Hinduism. And they, in South Kendra, they have their own local gods in the form of Bhutas. Okay. They call it Bhutas, and worshipping those gods called as Bhuta Radhana or Bhuta Puja. And these are very unique cultural heritage of
Karnataka. Yeah. And apart from that, it has historic significance also. There are many independence fighters, like already you have spoken ample about Tipu Sultan. And apart from that, in Belgaum district, there was one a lady who can who almost single-handedly fought British, Rani Chennamma of Kittur. Okay. So it has a unique heritage, and I'm proud to be a Karnataka. I'm proud to belong to Karnataka. Really say. Thank you so much for coming in this program. So yes, thank you. Thank you so much for your contribution. As you have learned, I would prefer saying Dhanyavada Galu. Dhanyavada. So thank you so much. Okay. Good night, listeners. Good night. जी हाँ लिसनर्स, आज हमारे साथ बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया और आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटका के बारे में. तो एक छोटा सा ब्रेक मैं फिर से लेना चाहूंगी. इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ प्रोग्राम डेट विद द स्टेट में आप सबके साथ. तो एक और लिसनर मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लूंगी, उन्हें जरूर लूंगी. I'll be back after a short break. Welcome back, friends. Welcome to program Date with the State. अब बात कर लेते हैं हमारे अगले लिसनर के साथ. जी, कौन है हमारे साथ? Let's talk to our next listener. Who is with us? Hello. Well, my name is Shreyas, and yes. I'm from the city, the capital city of Karnataka, that's Bangalore. So, okay. Which is also known as Bengaluru. I mean, it recently known as Bengaluru. Today, I think most of the listeners are from Bangalore or Mysore. Oh yeah. Yeah. That's a great thing. I mean, these are the two main cities. I think if you go ask, mostly many people apart from Karnataka, they would know Mysore or Karnataka. They would say Karnataka. Yeah. But yeah, it's Karnataka. And yeah, yeah. Let me say about myself first. Is it fine, madam? Yeah. Okay. So. I'm doing my BA right now in economics. Okay. So it's a Pride College of Bangalore. Many people like Sushmita Sen, our cricketer Rahul Dravid, they have all passed out from this place called St. Joseph. So I'm doing from that college. I have born and brought up in Bangalore. So that's a great thing. And if I have to speak about Karnataka, yes, sir. It is well known for its population and pollution right now. I mean, that's the bad part. Well, soon after Mumbai, the most upcoming economic growing is... because I'm an economics student, so I'll be telling in economic terms. Karnataka is the second state in India that is known for its economic growth. Okay. And it's the seventh main city in the entire India. So, as you all know, Karnataka's main language is Kannada. Yes. Yeah. So, I know Kannada, and my mother tongue is not Kannada, unfortunately. But I love Kannada to the core, and in fact, I don't know my mother tongue as much as I know Kannada. So, that's one thing, and I'm very patriotic towards Kannada. I listen to Kannada songs, and I'm so happy, firstly, radio people, that you people played Kannada songs and made Kannada
songs popular, Sandalwood it's called. So you people made it popular. Yeah. So today we have talked less about eatables of Karnataka. So what would you like to say about cuisines? Karnataka main course food during lunch, what people eat is ragi ball. In other words, it's called millets. So I think, yeah, that would be the main one. And we make curries, which are of liquid forms. Yeah, curry. Yeah. So we usually dip the ragi ball into small pieces, make it a roll kind, and we swallow that. This is the uniqueness of Karnataka food cuisine. We don't chew that, we swallow that. So that's one thing. Which Karnataka is unique from other states, I mean, in terms of cuisine. Then we are very well known for the chicken. I'm so sorry for non-vegetarians. No. No need to say sorry. Talking about the chicken. Yeah. This is called the wild chicken, or what we say. It's not a farm chicken. So there's a curry famous, that is very famous, and we derive many food from Chennai, like idli is very famous, and sambar and idli. Yes. Have you been any time to Bangalore, madam? No, I haven't visited Bangalore, but I have visited Chennai. Oh, okay. Coolest thing. Yeah. So, and Bangalore, as I said, you get all kinds of food. Actually, there's a place called Brigade Road. This is the most famous road in Bangalore. And it has all kinds, from the highest till the lowest restaurants you get. You get the highest, it's called Oberoi, which is the that is the third 3-star hotel in Bangalore. Okay. And then you have the Taj, that's also in Mumbai, and it's also in Bangalore. Then you have the Leela Palace. So these really have a very good food. I mean, I was privileged to visit these restaurants. Okay. So, we have a typical lemon rice called Chitrana. I mean, that's a very famous Okay, food. What is it? It's called Chitrana, C-H-I-T-R-A-N-A. So, okay. Yeah, it's called, it's also called the lemon rice. Okay. So, it is yellowish in color, very tasty. My mom prepares very well, and I love it to the core. Okay. Whenever I'll get chance to visit Karnataka, I'll definitely have it. Surely. Yeah. And you're welcome here to my house also. Yeah, thank you so much. And there's a food, I mean, a special one prepared during time of festivals. I think I should tell you people about even our festival. The main festival is or what you people call in North India, the Durga Puja. Durga Puja. Day of Vijayadashami. So that is very highly celebrated here because of Mysore. So that day we prepare Ubbattu. I mean, it's called Puran Puli in North India. Or it's also called the sweet chapati, in other words. I mean, I'm just trying to be very simpler, and in layman-istic terms, I'm telling you. So, that's very nice. It's a sweet, I mean. So, that's very famous in Karnataka. And apart from that, they make something out of, it's a kind of noodle kind, but it's a sweet. So they mix the milk and they make a sweet out of it. It's called the paisam or the paisa.
Okay. I think these are the famous ones. Yeah. So thank you so much for coming. And I think this is first time you are joining us in Radio Udaan. Yeah. I mean, I know Danish bhai very well. We keep talking on Skype, so I know him and I keep listening to this often, but unfortunately not too frequently also. Yeah, well, but keep listening and keep coming. Yeah, and one more thing I would like to tell all of these listeners of Radio Udaan. Yeah, sure. I really welcome you people to visit Karnataka and especially Bangalore. Firstly, our pride, Mitra Jyoti and Enable India is located in Bangalore. So, you people should really come and visit Bangalore because it's a developing city like Mumbai, and it's a nice place to live in. From the highest till all kinds of people can live here. So, do visit this place. Yeah, sure. Thank you so much. And keep coming and keep listening. Yeah, thank you so much. Nice talking to you. Okay, sir. Thank you so much. Yeah, take care. Good night. जी हाँ लिसनर्स, आज बहुत से लिसनर्स ने हमें ज्वाइन किया कर्नाटका से, तो मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी. आज थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने आपको तंग किया होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को सुनने के लिए भी. अब जाते जाते एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कर्नाटका के बारे में मेरे पास और भी थी, मैं देना चाहती थी कि अभी कुछ लिसनर्स मुझे भूषण प्रभु जी का भी चैट आ रही थी, उन्होंने भी कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है. वीसी गुप्ता सर ने भी कहा, वो कह रहे हैं कि नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच सर. इसके अलावा भूषण प्रभु जी ने कहा था कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के बारे में बताइए कौन है. तो जी, मैं बताना चाहूंगी कि कर्नाटका में जो गवर्नर हैं अभी, उनका नाम है हंस राज भारद्वाज, और जो यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है सिद्धरमैया, और जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं. इसके अलावा कर्नाटका में लोकसभा की 28 सीट्स हैं, यानी कि 28 सीट्स फॉर लोकसभा एंड 12 राज्यसभा सीट्स आर देयर इन कर्नाटका. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट कर्नाटका. आई हैव लर्न्ड अ लॉट. आई होप यू ऑल हैव ऑल्सो लर्न्ड. सो दिस इज द शो डेट विद अ स्टेट इन विच वी टॉक अबाउट any one state of India every week Thursday from 10 to 11 p.m. and I, Jyoti Malik, host the show. So I welcome you all to visit, to join us and to share your experience, share your information, what you have about that particular state. So keep listening and keep joining us in Radio Udaan, all shows, and keep participating. Also, don't forget to submit your feedbacks on our website, that is www.radioudaan.com. तो listeners, आप सबका बहुत बहुत स्वागत तो खैर शुरू से मैं कर ही रही हूँ. अब मैं धन्यवाद ही करना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का अंतिम समय चल रहा है. तो आज हमने बात की कर्नाटका के बारे में, अगले सप्ताह हम किसी और स्टेट के को लेकर आएंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. शुभ रात्रि. धन्यवाद. न धीम धीम तना मधुर प्रेम दामोदर तल्लना मधुर प्रेम दामोदर तल्लना धन्यालिंगना.
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ